बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरे साथ वन ऑफ द लकीस्ट मैन फ्रॉम त्रग शरीफ। लकी इसलिए कि अच्छी क्रिकेट का मिलना ये भी एक गुड लक होती है। तो ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, बिल्कुल कोई क्रिकेट इतनी खेले हुए नहीं है, तो इनको बहुत जल्दी एक अच्छा टूर मिल गया। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मंसूर में देखी हमने कि बहुत डेडिकेटेड, बहुत पुरजोश और इंतहाई जैसे क्रिकेट लवर होता है, तो इसने वो सारी स्किल्स शो कराई। इवन इसको फील्डिंग में भी एक दिन भी इस पर काम नहीं हुआ था, उसके बावजूद इसने बहुत अच्छी एफर्ट की, अच्छी फील्डिंग की और पूरे मैचेस खेले। तो होपफुली, बल्कि ये ख़ुद बताएगा कि इसने कितना इंजॉय किया है और फ्यूचर में इसका क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है और हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे यह सीखा है कि कभी भी प्रेशर नहीं लेना है और जो चीज़ है उसको इंजॉय करना है। गुड। तो आपने एज अ बॉलर अच्छी बॉलिंग कराई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बंदा खेल रहा होता है इस लेवल पे, और आज आपने नए बॉल से बॉल कराई है, तो वाइडें भी नहीं फेंकी इतनी, तो कितना मज़ा आया? बहुत अच्छा लगा जब नए बॉल से बॉलिंग कराई है तो। गुड। और फील्डिंग में आज आपने कैच भी पकड़ा, कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया, प्रेशर नहीं दे दिया पहले, प्रेशर था पहले मैच। गुड। तो सबसे अहम बात यह है कि आपको क्या पता चल रहा है कि आपको इन बच्चों की तरह मजीद टूर अगर करने हैं तो कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको? क्या फील्डिंग प्रैक्टिस करनी होगी और बॉलिंग प्रैक्टिस करनी होगी, बैटिंग करनी होगी, हर चीज हार्ड वर्क करना। गुड। तो रेडी हो या एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने के लिए? ठीक, रेडी। गुड, बेस्ट विशेस और एंजॉय करना।